सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप सब ठीक हो। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का न्यू ब्लॉग स्टार्ट करते हैं गाइस। आज हमारे में हिसुआ, हमारे साथ है टिंकू भैया और हमारे रंजाई भैया जो भी गाड़ी ड्राइविंग करते हैं। तो आज हम लोग आने वाले हैं राजगीर घूमने के लिए, और चलिए आप लोग को दिखाते हैं राजगीर, कुछ दिखाते हैं। और देखिए हमारे रंजाई भैया भी गाड़ी साफ कर रहे हैं। भैया प्रणाम। भैया प्रणाम। भैया समझ रहे हो ना। और हमारे जितने भी YouTube के फैमिली है उनको भी बोल दीजिए प्रणाम। भैया प्रणाम। भैया और चैनल को मेरा सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। बोलिए तो कुछ रह जाए हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल आपका चैनल। हाँ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए चलते घूमते हैं। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, परसों कमेंट में वीडियो शेयर करिएगा। और कैसे हो आप? सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलते हैं अब गाड़ी के अंदर, हम लोग अब निकलने वाले हैं। तो गाइस फाइनली बैठ चुके हैं गाड़ी में, हम अब जाने वाले हैं राजगीर। और राजगीर से जाएंगे हम लोग खुदागंज, क्योंकि कुछ हम लोग जाने वाले हैं खुदागंज, क्योंकि खुदागंज में हमारा काम है कुछ। तो राजगीर उतना घूमेंगे नहीं, कुछ ही घूमेंगे। तो गाइस फिलहाल चलते हैं, घूमते हैं और आप लोगों को बताते हैं। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं बलगंगा, या बलगंगा का कुछ सीन राज आप लोग को दिखा रहे हैं। और अच्छा खासा भी मौसम भी किया हुआ गाइस। यहाँ पर देखिए दो बच्चा कैसे जा रहा है, यहाँ आप लोग देखिए कितना वो कष्ट कर रहा है। तो हम लोग अभी राजगीर प्रवेश कर चुके हैं, और चलिए आप लोग को दिखाते हैं राजगीर में कुछ अच्छा सीन सा। और ये कुछ नज़ारा आप लोग देखिएगा, और आप लोग रोड देखिए गाइस कितना अच्छा हरा भरा देखने के लिए मिल रहा है। गाइस मौसम की बात क्या थी, अगर सीन की बात किया जाए, दृष्टि की बात किया जाए, तो लाजवाब इसको बोला जो लाजवाब। चारों पट्टी पेड़ पौधे और बीच में रोड, अच्छा लगता है, अच्छा फीलिंग आता है कि अच्छा सीन है। समझ रहे ना गाइस आप लोग। और शांति स्तूपा ये मतलब ये अभी जो गुजर रहे हैं हम लोग, जो उदयगिरी से गुजर रहे हैं, और इसके बाद आएगा शांति स्तूपा के पास, और उसके बाद आएगा जू सफारी, उसके बाद आएगा नेचुरल जू सफारी, फिर उसके बाद आएगा ग्लास ब्रिज, फिर उसके कुंड पे, फिर राजगीर बस स्टैंड, उसके बाद बहुत चीज आएगा। क्या बताएं गाइस, उतना तो आप लोगों को बता नहीं सकते। तो गाइस देखिए कितना टूरिस्ट लोग घूमने के लिए आए ठंडे के मौसम में, देखिए कितना सारा यहाँ पे रथ से जा रहे हैं घोड़ा, आप लोग देखिए। गाइस बोले तो राजगीर एक टूरिस्ट प्लेस है, और यह टांगा है, घोड़ा टांगा जो आप लोग देखिए कितना अच्छा। और यहाँ पे हमारे मतलब हमारे राजगीर में, नालंदा जिला में, कई दूर दूर से लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, देश विदेश से यहाँ घूमने के लिए आते हैं राजगीर में। और एक एक समझे तक धार्मिक स्थल भी बना दिया गया। तो गाइस आप लोग भी बोलेंगे या आप लोग भी आइए घूमिए। और हमारे भी मनोज देव भैया जो एक यूट्यूबर हैं, वो भी यहाँ पे आए थे घूमने के लिए, वो भी गिलास ब्रिज घूमे हैं, जू सफारी घूमे हैं, बहुत कुछ घूमे हैं वो भी, मनोज देव भैया। तो उनका भी टैग कर दीजिएगा, मनोज भैया के पास इस वीडियो को टैग कर दीजिएगा, उनको पास कम से पहुँचाइए इस वीडियो को। और देखिए सीन, चलिए आप लोग को दिखाते हैं। और ये रहा राजगीर जू सफारी, जो आप लोग देखिए। और ये रहा एंट्री गेट, जो आप लोग देखिए जू सफारी का एंट्री गेट। तो गाइस आज ये बंद है जू सफारी, क्योंकि आज सोमवार है। और ये रहा टूरिस्ट लोग जो घूमने आए हैं। और गाइस एक चीज बात बोलना है, सोमवार को जू सफारी और ग्लास ब्रिज ये सब बंद रहता है सोमवार के दिन। तो आप लोग से ही बोलूंगा कि सोमवार के दिन आप लोग घूमने भी नहीं आइएगा, लोकल आप लोग घूम सकते हैं। तो सोमवार के दिन आप लोग याद रखिएगा, ये आज ज्यादा कुछ टूरिस्ट लोग घूमने के लिए यहाँ पे आए हैं, और सोमवार के यहाँ पे तो दो चीज बंद रहता है। तो और गाइस ये रहा राजगीर का मार्केट, यहाँ पे गर्म कुंड है जो अच्छा खासा है, यहाँ पर लोग नहाने के लिए, ठंडा के मौसम के लिए अच्छी चीज है नहाने का। और बरहम, और इसको बरहम कुंड के नाम से जाना जाता है गाइस, इसका बहुत ही बरहम कुंड के नाम से जाना जाता है। और ये रहा जंगल रेस्टोरेंट, जो आप लोग देखिए। और तभी हम तो जाने वाले हैं कहीं और, बकेद खुदागंज। तो ये रहा बरहम कुंड का सीन, यहाँ पे अभी ठंडा के मौसम के कारण बहुत यहाँ भीड़ आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है। और गाइस अगर मेरा वीडियो राजगीर का आप लोगों को देखना है, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा सब चीज का, डिस्क्रिप्शन कर लिया, मतलब जू सफारी का और ग्लास ब्रिज का,
शांति स्तूप का जलप्रपात मतलब गार्डन उड़ा जितना भी आप लोग राजगीर का आपको सब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा और आप लोग को देख लीजिएगा, क्योंकि हम तो राजगीर कहीं पहले आपको पांडू पोखर यह हुआ गाइस एक गार्डन हुआ मतलब बगीचा जो इसको घूमने लायक है वैसे को पार्क बोला जाता है पांडू पोखर पार्क, तो इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे आप लोग देख लीजिएगा इसका भी वीडियो। तो फिलहाल चलते हैं गाइस खुदागंज की ओर, आप लोग को मिलता है खुदागंज में और चलिए चलते हैं खुदागंज की ओर। तो गाइस ये रहा राजगीर यूनिवर्सिटी जो अभी बनने वाले है और यहाँ पे एयरपोर्ट भी बन रहा है गाइस और क्रिकेट क्लब भी बन रहा है मतलब स्टेडियम भी बन रहा है। ये रहा राजगीर स्पोर्ट। तो गाइस देखिए यहाँ पर रहा ये और आप लोग देख ही लिए होंगे उस वीडियो को आप लोग को धीरे से कर देंगे। तो यह रहा नालंदा विश्वविद्यालय का कुछ सीन बन रहा है यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी। तो गाइस ये रहा खुदागंज मार्केट, अभी खुदागंज में अभी जस्ट आए हैं और देखिए यहाँ पे कुछ काम है और टिंकू के भाई का काम हो रहा है, उनका काम खुदागंज मार्केट में का था तो वो कर रहे हैं और फिलहाल यहाँ पे हमारी गाड़ी लगी हुई है और यहाँ पे 60 गाड़ी करके अभी जाने हैं और कुछ काम कर रहा भाई तो तब लोग उसका वेट करते उसके बाद चले गया क्योंकि गया भी हमें जाना है गाइस। तो गाइस आप लोग शुरू से लेकर तक वीडियो को देखिए, वीडियो को आप लोग वॉच भी करिएगा। तो गाइस अभी आए हैं विश्वा बस स्टैंड, अब चलते गया क्योंकि हमें जाना भी गया गाइस और ये रहा विश्वा बस स्टैंड। तो फिलहाल चलते हैं गया और गया में आप लोग को मिलता है गोदाम में कुछ में काम भी, तो गाइस इसलिए चलते हैं गया की ओर। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं अपना रूम पर, ये हमारा रूम रहा जो आप लोग देखिए आप लोग को यही सीन देखने के लिए मिल रहा होगा जो आप लोग को डेली मिलता है। तो गाइस तो खाना वाना बनाते हैं, खाना वाना बनने के बाद खाएंगे पियेंगे उसके बाद थोड़ा सा स्टडी करेंगे उसके बाद सोएंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग से ही एंड करते हैं, आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक जय हिंद जय भारत टेक केयर बाय।